दोस्तों ये कहानी चार ऐसे लोंडो की है जिनको अपना घोड़ा चलाने और नचाने का बहुत मन करता है इसीलिए इनमें से एक लौंडा अपनी बंदी की मम्मी को पटा लेता है और उससे रहता है मम्मी आए आड़ में बंदी जाए भाड़ में बंदी आए आड़ में मम्मी जाए भाड़ में तो चलिए देखते हैं इन चारों लौंडो के अतरंगी कांडो को कहानी की शुरुआत में हम एक जग्गू पटियाला नाम के एक लौंडे को देखते है जो अपने घर से स्केटिंग करते हुए एक स्केटिंग पार्क में जाता है और वहाँ पर कई सारे बालक स्केटिंग कर रहे होते हैं तो जग्गू पटियाला कैसे पीछे रहता वो भी दबा के स्केटिंग करने लगता है पर थोड़ी देर में जग्गू पटियाला थक जाता है तो वो एक जगह पर बैठ जाता है और हंसते हुए अपने बैग से गन निकाल कर खुद को सूट कर लेता है अब ये कांड होते ही सभी बालक उसकी डेड बॉडी के पास इकट्ठा हो जाते हैं लेकिन कोई भी बच्चा इस घटना से बिल्कुल भी, भी नहीं डरा होता क्योंकि यहाँ पर यह घटना होना आम बात थी इसके बाद हमें आगे की कहानी एक मस्तानी नाम का लौंडा सुनाने वाला है जिसमें वो अपनी कहानी के साथ साथ अपने तीन हरामी दोस्तों की भी कहानी सुनाएगा जिनके नाम है बॉबी अवारा मजनू बेचारा और काली बसोड़ी ये सारे दोस्त पहले एक साथ बहुत टाइम बिताया करते थे। लेकिन स्कूल के बाद है तो, तो, तो यहाँ पर मस्तानी सबसे पहले हमें बॉबी अवारा की लाइफ के बारे में बताता है की बॉबी अवारा एक बहुत ही बड़ा हवस का पुजारी था ये अपने छोटे भाई के साथ मस्ती मजाक करते करते ना जाने कब पेलम पट्टी चालू कर देता था पूछो ही मत वहीं हम बॉबी अवारा की मम्मी को भी देखते हैं जो इस टाइम सिंगल होती है और फिर भी उसने अपने दो बालकों को बड़े अच्छे से संभाल रखा था इससे साफ पता चलता है कि बॉबी अवारा की मम्मी कितनी हिम्मत वाली है इसके बाद बॉबी अवारा अपनी बंदी जोल के घर जाता है जहाँ पर जोल की मम्मी को छोड़कर कोई भी नहीं होता भाई हमें लग रहा था की यह सारा जोल का होल खोलने आया होगा लेकिन नहीं ये तो जोल की मम्मी का होल खोलने आया था इसके बाद हमें मजनू बेचारा की कहानी सुनाई जाती है जिसमे ये बाहर से खुद को बहुत तगड़ा दिखाता है पर अंदर से ये बिल्कुल

को खो दिया था और इसका बाप दिखने में तो जोनी सेंस का बाप होता है लेकिन ये गंजा सेंस बहुत ही धार्मिक होता है जो हर रोज अपनी लुगाई की कब्र के पास जाकर उससे बातें करता था क्योंकि ये गंजा सेंस अभी तक अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाया था लेकिन बेटी तो बहुत आगे बढ़ गई थी अब अगली सुबह जब काली भसौी अपने पापा से मिलती है तो वो उसे बताता है की तेरे दोस्त जियान का कॉल आया था और उसने तुझे मरम्मत करने के लिए बुलाया है दरअसल जियान काली भसौी का बाबू होता है यानी की बॉयफ्रेंड पर यह बात उसने अपने बापू गंजा गंजे को नहीं बताई थी क्योंकि वो एक कट्टर कैथोलिक होता है अगर उसे पता चल गया कि काली भसौी ने बंदा बंदी की भसड़ मचा रखी है, तो वो उसे घर से बिना निकलने दे पर ये गंजा बहुत ही हरामी होता है इसके चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि ये काली की आसकी बाजी के बारे में सब जानता है और अब बात करें इस ग्रुप के आखिरी बंदे मस्तानी की ये साड़ा बहुत ही खड़ूस लौंडा होता है और ये हमेशा रात में गंदी गंदी कहानियां लिखता है पर आज इसके टॉमी ने भोंक भोंक कर इसका जीना हराम कर दिया था अब जैसे तैसे वो टॉमी को शांत करता है की तभी उसकी दादी खाना लेकर आती है लेकिन मस्तानी उन पर भड़क जाता है और उन्हें काफी सुनाता है अब धीरे धीरे हम इन चारों की लाइफ के बारे में और जानते हैं जहाँ था और ही रहते हैं जिससे जोल की मम्मी को बहुत ही मजा आता है तो वहीं बॉबी अवारा जोल की मम्मी से पूछता है की क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कर पाया कि नहीं तो वो कहती है हाँ बाबू तेरा तो सोला का लोला है से मैं बहुत खुश हूँ मुझे तो गर्व है की मेरी बेटी को तेरे जैसा खूंखार खिलाड़ी मिला है जो एक ही मिनट में किसी की भी पिच गीली कर दे फिर हम काली भसोड़ी के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसके घर पर जियान ब्रेकफास्ट करने आया था अब गंजा सिंह से जैसे ही जियान को देखता है तो वो समझ जाता है कि सारे ये दोनों पिलाईबाजी करके आ रहे हैं इसके बाद गंजा सिंह से जियान को अपनी जवानी के फोटो दिखाते हुए कहता है कि जब मैं तेरी उम्र का था तो मेरे भी बाल तेरी तरह घने थे वहीं हम काली भसोड़ी की मोम की फोटो भी देखते हैं जो की बिल्कुल काली भसोड़ी की तरह ही लग रही थी थी। और अपनी लुगाई को देख कर गंजा सिंस भावुक हो जाता है इसलिए वो अपनी लुगाई ऐसी मिलने उसकी कब्र पर पहुंच जाता है उधर घर पर काली बसोड़ी जियान के लत्ते उतार कर उसके हाथों को बैठ से बांध देती है और फिर दे बट, दे बट, दे बट, दे, बट, दे करके जमा जम करने लगती है दूसरी तरफ गंजा सिंस अपनी लुगाई के साथ कुछ टाइम बिताने के बाद घर की ओर निकल जाता है उधर काली बसोड़ी जियान का बकोटा खाने वाली थी कि तभी गंजा सिंस घर पर आ जाता है और वो जियान को मार मार कर उसका कचुमर निकाल देता है दूसरी ओर मस्तानी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वर्ड गेम खेल रहा था जहाँ उसके दादाजी एक फेक वर्ड बनाकर मस्तानी को चीटिंग करने लगते हैं तो इस बात पर मस्तानी उन दोनों को बहुत सुनाता है और फिर बाहर जाकर वो कुछ बच्चों के साथ खेलने लगता है अब जब थोड़ी देर बाद मस्तानी के ग्रैंड पेरेंट्स टेनिस खेलने गए तो मस्तानी अपने रूम का गेट लॉक करके एक टेबल टेनिस का मैच लगा देता है जिसमें एक लेडीज प्लेयर टेनिस की प्रैक्टिस कर रही थी और बॉल हिट करते हुए उसके मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी जिसे सुनकर मस्तानी अपने बकोटे को नचाने लग जाता है दूसरी तरफ बॉबी जोल की मम्मी से भटा भट भटाभट भट, भटाभट करने के बाद अपने होने के बाद अवारा जोल के साथ घर आता है और वहाँ से जाते वक्त वो बॉबी आवारा को गुड बाय किस भी लेने नहीं देती क्योंकि उसके पड़ोसियों की नजर हमेशा उसी पर रहती है अगर उन्होंने उसे चुम्मा चाटे करते हुए देख लिया तो पूरे मोहल्ले में शोर हो जाएगा की जोल तूने खोल दी अपने हो इसके बाद बॉबी हमारा उदास होकर वहां से चला जाता है दूसरी ओर हम जॉनी को देखते हैं जो कि रात में फुल सेट होकर मजनू बेचारा के कमरे में घुस जाता है अब पता नहीं जॉनी के दिमाग में क्या आता है कि वो मजनू बेचारा का पकोटा नचाने लगता है नींद में होने की वजह से पहले तो मजनू बेचारा को बहुत मजा आता है लेकिन जैसे उसकी नींद खुली तो उसने जॉनी में खींच के लात मारी जिससे जॉनी दूर जाकर गिर पड़ता है इसी वजह से मजनू बेचारा अगले दिन घर छोड़ देता है उसकी मम्मी तो उसे रोकना चाहती थी लेकिन मजनू बेचारा उसकी बिना सुने वहां से चला जाता है वहीं काली भसौी अपने बापू से रो रो कर माफी मांग रही थी लेकिन गंजा सिंस उसे घंटा माफ नहीं करता बल्कि वो तो बाइबल निकाल कर उसे उसकी गलतियों की सजा बताता है की वो नर की आग में भसम होने वाली है फिर वो उसे उसकी माँ का एक सपना बताता है की जल्दी हम दोनों तुम्हारी माँ से मिलने ऊपर जाने वाले हैं ये सब बकवास करने के बाद गंजा सिंह काली भसौी के साथ ही शादी कर लेता है और काली भसौड़ी की लपक के चुसाटी चुम्मी लेता है भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गंजा सिंह झोपड़ी का बहुत ही कुत्ता आदमी है देख इसने अपनी बेटी को ही नहीं छोड़ा उधर दोपहर में बॉबी अवारा जोल की फैमिली के साथ लंच पर आता है जहाँ जोल की मम्मी और बॉबी अवारा जोल से भटा भट भटा भट भटाभट भट, भट, भट करने की बात करते हैं यहाँ बॉबी अवारा मन में सोचता है की सारा इसकी बेटी मुझे किस करने नहीं देती और इसकी माँ मुझे दबा के पानी पिलाती है और यहाँ जोल की माँ को देख हम भी समझ पाते हैं की वो भी बॉबी अवारा से बहुत प्यार करती है लेकिन वो उसके लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती थी और ये बात बॉबी आवारा भी जानता था दूसरी तरफ मस्तानी रात में फ्रिज में से केक खाने जाता है क्योंकि आज उसकी दादी ने उसके लिए उसका फेवरेट केक बनाया था पर दादाजी की वजह से दादी जी ने केक को शुगर फ्री बना दिया था जिससे मस्तानी बावला हो जाता है और वो गुस्से में अपने ही दादाजी को जान से मार देता है अब हम साफ साफ देख पाते हैं कि अब मस्तानी पूरी तरह से साइको बन गया था और जल्दी उसे पुलिस वाले भी पकड़ लेते हैं मूवी के एंड में हम देखते हैं की काली भसोड़ी बॉबी अवारा और मजनू बेचारा से बारी बारी भटाभट 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 करने में लगी होती है अब ये सब देख हम समझ पाते हैं की इन तीनों ने अपना घर छोड़कर सोसाइटी की फिक्र ना करते हुए एक साथ रहने का फैसला किया वहीं अब बॉबी आवारा को भी बता देता है कि वो काफी टाइम से उसकी माँ के साथ भटा, 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 भटा भट भटा भटाभट कर रहा था और अब वो जोल से कर लेता है उधर मजनू बेचारा ने एक शॉप पर काम करना शुरू कर दिया था और काली बसोड़ी को भी एक साथ दो, दो बकोटे का मजा मिल रहा था तो वो भी खुश थी और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है तो भाई देख लो यार फोरन कंट्री में क्या क्या होता है अपना हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया दोस्तों तो इस मूवी का नाम कैन पार्क है जो कि साल 2002 में रिलीज हुई थी आई होप अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से देख सकते हो